त्रोगा रोगान शेषान पंच तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान। एक मंत्र सारी दुनिया के लिए काफी है। कोरोना को हम लोगों नष्ट कर पूरे देश दुनिया को बचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। एक बार फिर हमारे देश पे जो है कोरोना वायरस का जो है असर पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग महाकाली और माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने दुष्टों पर प्रहार करके संहार करके देश को बचाया है, वैसे ही इस कोरोना वायरस पर प्रहार करके नष्ट कर हमारे देश को बचाए। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। कोरोना वायरस डर खौफ और सब कुछ एक साथ लेकर आया है। जहाँ बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, सभी पार्क जू स्कूल कॉलेजेस बंद है, वहीं इसको भगाने के लिए ये हवन। कहते हैं इंसान आस्था में भरोसा रखता है और पूजा पाठ, जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो भगवान के याद आ जाती है। यहाँ पर देखिए लोग शंख बजा रहे हैं, पूजा हो रही है, पंडित जी भी पहुँचे गए हैं। भाग जाएगा कोरोना? कोरोना भागेगा नहीं, कोरोना को कोरोना मर ही जाएगा। अच्छा, भागने से तो दोबारा वापस आने की चांस है जी। हम लोग इसको मार करके इसमें इसका संस्कार कर देंगे सारे रोगों का, इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं अभी। कौन सा मंत्र है कोरोना भगाने वाला? कोरोना भगाने रोगान शेषान पंच तुष्टा सबसे बेस्ट मंत्र है इसका। अच्छा, शास्त्रों का रोगान शेषान पंच तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान। जो लोग देख रहे हैं उनको बताइए कितना बार पढ़ना पड़ेगा? केवल एक बार पढ़े, हृदय से पढ़े, बहुत है। एक ही बार में काफी, एक टेबलेट काफी होती है। इसमें एक मंत्र सारी दुनिया के लिए काफी है। तो यही जी हाँ यही बोलना है और कोरोना भाग जाएगा? जी हाँ स्वामी, बिल्कुल भागेगा। पक्का? पक्का 101%। पंडित जी कह रहे हैं कि ये मंत्र पढ़िए, कोरोना भाग जाएगा। यहाँ पर देखिए शंख बज रहा है और यहाँ पर ये देखिए बच्चे यहाँ पर सभी मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र का उच्चारण हो रहा है कि इस देश में जो इस हिसाब की बीमारी आ गई है दूसरे देश से, वो सही हो जाए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे जिन्होंने ये हवन करवाया है और जानेंगे कि आपने ये हवन कराया है पूरा दुनिया, पूरा देश बिहार कोरोना की चपेट में है। भद्रकाली के शरण में 21 ब्राह्मणों के द्वारा एलजेपी की ओर से भव्य हवन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। हे प्रभु, हवन के चपेट से हम लोगों को बचाइए और इसी हवन कुंड में कोरोना को हम लोगों नष्ट कर पूरे देश दुनिया को बचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। लगातार कई घंटा से हम लोग यह हवन पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं जो इस पे विशेष आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर मंत्र का उच्चारण हो रहा है और पंडित जी बताएंगे। बताइए कब तक कोरोना भाग जाएगा? एक बार फिर हमारे देश पे जो है कोरोना वायरस का जो है असर पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग महाकाली और माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने दुष्टों पर प्रहार करके संहार करके देश को बचाया है, वैसे ही इस कोरोना वायरस पर प्रहार करके नष्ट कर हमारे देश को बचाए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे मंत्र का उच्चारण हो रहा है। ये हवन कुंड जहाँ पे कोरोना को जलाने की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मंत्र पढ़ा जा रहा है। कोरोना का इलाज मिल गया है, हवन कीजिए। मंत्र बता दिया है पंडित जी ने, पढ़ लीजिए और कोरोना भाग जाएगा। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।